नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोग का मेरे चैनल में। तो आज मैं आप लोग के साथ मक्के की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए, ये सूखी मक्के हैं, उसको मैं आज भूनने वाली हूँ घर में ही गैस स्टोव पे। तो आज मैं इसे कैसे भूनूंगी, कितने देर तक भूनूंगी और कैसे कितना टेस्टी भूंजा बनेगा, वो आज मैं इस रेसिपी में आप लोग को दिखाने वाली हूँ। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए तो फ्रेंड्स, ये देखिए जो मक्का है, ये मैं काफ़ी दिनों से रखी हुई थी, ये सूख गया है। तो आज हम इसे भूनेंगे और देखेंगे घर में इसे कैसे, जो भूंजा बोलते हैं ना, पॉपकॉर्न टाइप से वो जो होते हैं, वो बनाएंगे आज हम इसका। तो चलिए पहले हम इसे छुड़ा लेते हैं, इसके दाने अलग कर लेते हैं। उसके इसलिए मैंने एक को छुड़ा लिया है, कितनी आसानी से छूट चुके हैं। और उसके बाद भी हम इसे भी छुड़ाएंगे, उसके बाद फिर हम भूनेंगे। तो पहले हम इसे छुड़ा लेते हैं पूरा। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से छूट रहा है। हम एक हाथ से भी आप छुड़ा सकते हैं, दोनों हाथ से भी तुरंत छूट जाएंगे। ये देखिए, इसमें बस एक लाइन छुड़ाने की रहती है, उसके बाद ये तुरंत तुरंत छूट कर चला जाता है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए दो मैंने छुड़ा लिया है। ये इतना कॉर्न जो है, ये इतना मैंने निकाल लिया है। और ये जो मुझे दोबारा खाना होगा तब मैं इसे फिर छुड़ाऊंगी और भूनूंगी। तो फिलहाल अभी मैं इसलिए को ही भूनती हूँ। फ्रेंड्स, ये जो मक्का है इसे भूनेंगे और आज हम इसे अपने गैस स्टोव पे भूनने वाले हैं और कढ़ाई में भूनेंगे। देखिए घर में कितना अच्छा मक्का भूनता है और कितना अच्छा खाने में लगता है। तो यहाँ देखिए मैंने कढ़ाई को रख दिया है गर्म होने के लिए, फ्लेम हाई फ्लेम है। और जब ये गर्म होगा तो हम इसमें डालेंगे नमक। आज हम इसे नमक में भूनने वाले हैं। देखिए हम नमक डाल रहे हैं, मैंने एक और बार पहली बार भून चुका है, वही नमक मैं स्टोर कर लेती हूँ ठंडा करने के बाद। तभी मैं इसे गर्म होने दूंगी, इसे मैं ढक दूंगी हाई फ्लेम पे ही, 2 से 3 मिनट के लिए गर्म करूंगी। देखिए मैंने सॉल्ट को फैला दिया है, नमक को मैंने फैला दिया है ताकि ये गर्म हो जाए। और इसे हम ढक देते हैं। देखिए मैंने ढक दिया, इसे 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसे गर्म होने देंगे। उसके बाद फिर हम अपने कॉर्न को भूनेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम में रख दिया। ये देखिए ये पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। ये देखिए साइड में रेड होने लगा है गर्म होकर के, यानी कि हमारी सॉल्ट जो है पूरी तरीके से गर्म हो गई है। और अब हम इसमें डालेंगे अपने मक्के को। ये देखिए मैं डाल रही हूँ, हाई फ्लेम पे ही रहेगा, उसे कंटिन्यू हम इसे इस तरीके से चलाते रहेंगे, इस तरीके से चलाते रहेंगे। ये फूटने भी लगेगी और पकने भी लगेगी 1 मिनट के बाद। ये देखिए आवाज़ हो रही है फूटने लगी। 1 मिनट के बाद हम इसे फ्लेम जो है वो मीडियम में कर देंगे, जिससे हमारे जो मक्के हैं वो अच्छे से पक जाए। उसे ढक देते हैं फिलहाल। ये देखिए फ्लेम हाई रख के ढक देंगे। ये आवाज़ आ रही है, देखिए हमारे जो मक्के हैं फूट रहे हैं। और हम इसी इससे चला रहे थे जिससे हमारे हाथ भी न जले, चले भी। और हमारे ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे बने रहिए। तब हम फ्लेम लो कर दे रहे हैं, इसे एक बार हटा करके इसे चलाते हैं। देखिए कितने अच्छे से कॉर्न फूट रहे हैं। हमने भी फ्लेम को लो कर दिया है। मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए करके डाल रही हूँ ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फूटे ना और उड़े ना ज़्यादा ज़्यादा, जिससे मुझे कोई हार्म ना हो। मैं इसे थोड़े थोड़े करके ही डालूंगी। देखिए हमारे कॉर्न जो है वो भून चुके हैं, अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, कुछ फूट चुके हैं। तो अब हम इसे निकालने की कोशिश करेंगे। इसे निकालने के लिए मैं इसका यूज़ करी। देखिए इसे आराम से निकाल के ऐसे झाड़ेंगे, पूरा निकल जाएगा। और मैं इसे बोलूँगी कि आपको स्टील के ही बर्तन में इसे निकालिएगा, जिससे कोई दिक्कत ना हो। देखिए इसी तरीके से हम सब निकालेंगे। आप चाहे तो आप इसमें छलनी से भी झाड़ सकते हैं, इसे खाने में बहुत टेस्टी लगता है। देखिए तो मैं इसे पूरा निकाल लेती हूँ और दूसरा ट्रिप भी डाल लेती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने दूसरा ट्रिप भी डाल दिया, वो भी अच्छे से फूट गए हैं, अच्छे से भून चुके हैं। कंटिन्यू चलाते रहना पड़ता है। स्टार्टिंग में डालने के बाद आपको लाइक दिस इस तरीके से और विस्क से ऐसे चलाते रहना पड़ेगा, जिसे ये उड़ेगी भी तो उतना हार्म नहीं होगा, ऐसे से पक भी जाएगा। लेकिन सब पक चुका है, अब हम इसे निकाल लेते हैं फटाफट से। ये सब गांव में अभी भी बहुत अच्छे से मिट्टी के चूल्हे बनाए जाते हैं, बट हर जगह ये पॉसिबल नहीं है। तो
जब खाने का मन हो तो आप इस तरीके से भी घर में बना सकते हैं। ये भी उतना ही टेस्टी लगता है जैसे बाकी सब गाँव में बनाए जाते हैं। जहाँ भूंजा भूनते हैं वैसे ही भी भूनते हैं मक्के भूंज के। मैं आपको चने के भी रेसिपी ऐसी खाऊंगी पूरे चने बनाने के लिए। मूँगफली भी आप इसे भून सकते हैं, चिवड़ा भी भून सकते हैं। तो देखिए अभी बहुत उड़ रहा है तो मैं इसे ढक दे रही हूँ इस तरीके से। अभी उड़ेगा भी तो इसी में रहेगा। ये देखिए मेरे किचन का हालत उड़ के कितना ज़्यादा ख़राब हो गया है, पूरा सॉल्ट बिखर गया है। देखिए भूनने लगे अच्छे से। आप इसी तरीके से मूँगफली भी भून सकते हैं, फ्राइम्स भी भून सकते हैं। जो हम ऑयल का यूज़ करते हैं, हम लोग ऑयल में न डाल करके ऐसे भी भून सकते हैं सॉल्ट में, उसे बहुत टेस्टी लगते हैं और ऑयल का इंटेक भी कम हो जाता है। ये देखिए आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पक करके मक्का जो है वो रेडी हो चुका है। देखिए कुछ कुछ फूट गए हैं, कुछ कुछ अभी नहीं फूटे, कुछ नहीं फूटे हुए, बहुत अच्छा टेस्टी लगते हैं, अच्छे तरीके से पक चुके हैं। तो अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।